सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बीएसएनएफ फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से नवरात्रि प्रारंभ है। माता रानी की कृपा सभी राशियों पर बहुत ही शुभ फल देने वाली है, परंतु ग्रहों के हिसाब से 9 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए नवरात्रे बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। उनके सभी कार्य, सभी विघ्न दूर होने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में उन 9 राशियों का वर्णन करने जा रही हूं जिनको नवरात्रे बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। साथ ही आपको एक ऐसे मंत्र का और एक ऐसे उपाय का बताने वाली हूँ जिससे सभी राशि वाले अगर करें तो निश्चित ही उनको बहुत ही शुभ फल मिलेगा, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। यह नवरात्रि आपके लिए सभी कष्ट और हर मनोकामना को पूरी करने वाली होगी। दोस्तों, अगर आपकी जो भी इच्छा है, चाहे संतान की है, धन की है या कर्जा हो रहा है, तो आप इन उपायों को अवश्य ही करें। आपको 101% लाभ मिलेगा। दोस्तों, माता रानी की कृपा सभी पर रहती है। माता रानी अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करती, वो सभी को एक समान समझती हैं और उनका जो स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, उनका पूजन करता है, उनकी जोत जलाता है, तो निश्चित ही माता रानी उन पर अपनी कृपा अवश्य करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, नवरात्रों में माता रानी का पूजन अवश्य करें, जोत जलाएं, उनको एक नारियल तो अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक बारी माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। दोस्तों, ग्रहों के हिसाब से 9 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर माता रानी की विशेष कृपा होने वाली है। अगर देखें, जब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा हो, तब आप अगर उपाय करते हैं, माता रानी का स्मरण करते हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्य और अधिक प्रबल हो जाता है। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा हो तो उसमें सफलता आपको अवश्य ही मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले उन 9 राशियां बता रही हूँ जिनके लिए यह नवरात्रे बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। माता रानी की कृपा से उनको संतान, धन, नौकरी, व्यवसाय के बहुत अच्छे, देखिए, सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन आप अपनी विवेक से और सहनशीलता से और अपनी जबान से अपना, मतलब, धैर्य बनाए रखें। किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी ना करें, नहीं तो फिर आपके लिए वो जो शुभ फल होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए आप थोड़ा सा, जब भी आपके कार्य में आपको सफलता मिल रही हो, तो आप उस चीज़ का विशेष रूप से धैर्य और विवेक अवश्य रखें कि यह कार्य हमें किस प्रकार से करना है। दोस्तों, छोटी मोटी अड़चने तो हर कार्य में आती हैं, लेकिन आप माता रानी का ध्यान करके अगर कार्य को शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के लिए देखिए, ये नवरात्रि बहुत ही श्रेष्ठ होने वाले हैं ग्रहों के गोचर से। उनको धन प्राप्ति के संतान योग तो बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूँ कि नवरात्रों में कोई भी राशि वाला या कोई भी किसी को भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उपाय अवश्य करिए, और उपाय करने के बाद नवरात्रों के बाद गर्भधारण करें, देखना निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। संतान सुख आपको अवश्य ही मिलेगा। पुत्र संतान की इच्छा है तो आपको वो भी अवश्य ही मिलेगा। लेकिन नवरात्रों में दोस्तों गर्भधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी के दिन होते हैं। जोत जलाइए, उनका पूजन करें, पति पत्नी मिलकर देखें माता रानी पर। अगर एक नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उस पर 7 बार मूली लपेटकर माता रानी को अर्पित करते हैं, और एक पान के पत्ते पर 2 लौंग और इलायची रखकर माता रानी को मां के चरणों में अर्पित करें, तो देखना आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, मेष राशि के लिए ये नवरात्र बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। उसके बाद है वृषभ राशि, तीसरी है मिथुन राशि, और चौथी है कर्क राशि, और पांचवी है सिंह राशि, और छठी है कन्या राशि, और वृश्चिक राशि, उसके बाद है कुंभ राशि, ये धनु राशि और मीन राशि। इन राशियों के लिए यह नवरात्र बहुत ही श्रेष्ठ होने वाले हैं। इनका लक्की समय कह लीजिए प्रारंभ हो चुका है। अगर इनका कोई भी कार्य अगर अटक रहा है, या जिसमें अगर ये नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो माता रानी का नाम लेकर इन नवरात्रों में शुरू कर दें, निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी। अगर कोई अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं नवरात्रों में, तो यह समय उनके लिए बहुत ही लक्की है। और संतान की तरफ से भी, जिनकी देखिए संतान हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो उनकी तरफ से भी उनको बहुत ही अच्छा, मतलब, शुभ योग मिल रहा है। उनकी तरफ से उन्हें, मतलब, अच्छा
न्यूज मिल सकती है। और जिनके देखे संतान प्राप्ति की इच्छा है तो नवरात्रों के बाद देखना, उनको निश्चित ही संतान सुख की भी खुशखबरी अवश्य ही मिलने वाली है। तो दोस्तों इन नवरात्रों में देखिए आप माता रानी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर विशेष रूप से पारिवारिक सुख शांति के लिए चाहते हैं तो आप इस मंत्र का उच्चारण इन नवरात्रों में अवश्य ही करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता नमस्तस्य नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें। और जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई की इच्छुक हैं, जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिनके होने वाले हैं, उनके ही तरफ से भी बहुत अच्छे आपको मतलब शुभ फल मिलने वाला है। और साथ ही अगर विद्यार्थी ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वती नमः इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं नवरात्रों में, तो देखना उनकी बुद्धि स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी मतलब बढ़ने वाला है, ज्ञान उनका बढ़ेगा। इस मंत्र का उच्चारण वो अवश्य ही करें। दोस्तों अगर आपको धन की कमी हो रही है, आर्थिक क्षेत्र में अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आप माता रानी को देखिए एक पान के पत्ते पर दो लौंग और इलायची रखकर अर्पित अवश्य करें, उनको सिंदूर अवश्य अर्पित करें, सिंगार अवश्य ही अर्पित करें और साथ ही छोटी कन्याओं का पूजन या उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। देखना माता रानी की कृपा आप पर अवश्य ही होने वाली है और आपको मन चाहे नौकरी व्यवसाय धन प्राप्ति के योग अवश्य ही बनेंगे। और साथ ही दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण आप पूरे नवरात्रों में करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का उच्चारण करिए, देखिए आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों आप माता रानी के किसी भी मंत्र का उच्चारण करिए, पर करिए जरूर, उनका ध्यान अवश्य करिए, उनका पूजन अवश्य करिए, नवरात्रों में जोत जलाइए, उनका पूजन करें। और पति पत्नी मिलकर पूरे नवरात्रों में छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, पीले वस्त्र धारण करके और पीली वस्तुओं का दान करते हैं या छोटी कन्याओं को पीली चीज़ें या सिंगार उनको अर्पित करते हैं पूरे नवरात्रों में, तो उनको 101% संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, उनको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और दोस्तों अगर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप पूरे 9 नवरात्रों में इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ स्तंभवा ततस्थो नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी इस मंत्र का उच्चारण आप पूरे नवरात्रों में कर सकते हैं। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ स्तंभवा ततस्थो नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी ये मंत्र आपको देखिए वीडियो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण करें और एक नारियल पर 7 बार मूली लपेट कर माता रानी को अवश्य ही अर्पित करें, देखना आपकी गोद बहुत ही शीघ्र भर जाएगी। दोस्तों नवरात्रि के बहुत से उपाय हैं संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के, मैं आगे की वीडियो में भी अवश्य डालूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बारी जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी